गलत हो गया है और वो बिहेवियर आ कहां से रहा है, वो बिहेवियर अंदर वाली फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रहा है। हमें लगता है टेंशन सिर्फ हम बड़ों का अधिकार है, नहीं, बच्चे भी ये वो इतना सुनते हैं कि कान बंद कर लेना चाहते हैं पर हम रुकते नहीं। फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर हमने भरी जब हम उनसे बेहिसाब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें माँ की दौड़ में दौड़ाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा नंबर अच्छे लाए। कहाँ अब ये नंबर की दौड़ कहाँ ले जाएगी? आपको पता है 12th क्लास के बाद 90% लाने वाले बच्चे मैक्सिमम होते हैं जो सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी उनसे और ज्यादा की, और आजकल कॉलेज का हाल, हमारे और आपके कभी किसी के टाइम में फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी तो बहुत बड़ी बात समझते थे, फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% नंबर। आज हमारे बच्चे के 90% नंबर भी आते हैं तो हमें लगता है ये निकम्मा है, तेरे दर कट कैसे गए, तेरे सौ को तुम दर कहां कटा के आए। मार्जिन लिबरल नहीं हो रही, ये हमारी क्वेश्चन फ्रेमिंग के तरीके इतने आसान कर लिए हम लोगों ने। यही वर्कशॉप टीचर के लिए प्रीति मैम लेती है और करवाती है, अब टेंथ के लिए मैं क्वेश्चनिंग स्किल्स की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, कि हम बच्चों से क्वेश्चन ऐसे वाले पुट अप करें जिसमें जो उसने पढ़ा है वो उसकी रियल लाइफ में उसको यूज कहाँ कर रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेंगे। तो अब जो क्वेश्चन टीचर आसान पूछती है, पानीपत की लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई, किस किसके बीच में हुई, तू रट लिए जवाब दे, आपके बच्चे ने रट लिया जवाब दे दिया, और रटने की बात क्या होती है, एग्जाम क्या आया दिमाग में, प्रेशर, ऐसे प्रेशर में ये बच्चे जीते हैं ना एग्जाम। और जब आपके दिमाग पे डर होता है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो दिमाग का क्या हाल होता है, भुरता बना हुआ होता है। ऐसे में जो रटा हुआ होता है वो तो बिल्कुल भूल चुका होता है, और फिर हम उसको डंडे, वो बेचारा इतने हवे के अंदर, डर के अंदर, उसे इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है स्कूल की भी और आपकी भी एज अ पेरेंट, और उन एक्सपेक्टेशन और उसके कारण जो उसको स्ट्रेस हो रहा है, जो उसको एंग्जाइटी हो रही है, वो उस पर परफॉर्म नहीं कर पाता, और फिर वो और डंडे खाता है, वो और डांट खाता है, वो और चोरी करता है, वो और इसका उसका देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। इसी सब हवे को मिटाने के लिए देश में नई शिक्षा प्रणाली आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारे हवे खत्म करने के लिए अब से स्कूल को इंस्ट्रक्शन ये मिली है कि बच्चों के ऊपर से एग्जाम के प्रेशर को हटाइए, क्वेश्चन पेपर और क्लास में पढ़ाई ऐसे कराइए कि फन हो। पर पेरेंट्स ने तो जान भर दी है स्कूल वालों की, कॉपियां भरी होनी चाहिए। आपको एक ही चीज एंश्योर करनी है, वो है अटेंडेंस, कि आपका बच्चा स्कूल में आए, टीचर ने कितनी कॉपी भरवाई इसके पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि कॉपियां भरने का रिवाज खत्म करना है देश में से। बच्चे जो रट रट के लिखते हैं, रट के पेपर देने जाते हैं, अब आपके बच्चे को क्वेश्चन है, अब होमवर्क ऐसा मिलेगा, इसका चित्र बनाओ, इस चीज के बारे में जाओ, चार लोगों से बात करो और अपनी निष्कर्ष लिखो, इस तरह के होमवर्क लिख के रट के लिखने वाले होमवर्क नहीं मिलेंगे। लेकिन शिक्षा प्रणाली भी इतनी ही आई है कि बच्चों का हवा खत्म हो, डर खत्म हो, उनमें से प्रेशर का प्रेशर खत्म हो। इतने स्ट्रेस में ये बच्चे जी रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोगों को तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के प्रेशर दिखते हैं,
हम उनके प्रेशर में जीते हैं। हमें तो बड़ा घर चाहिए, हमें घर है पर हमें और बड़ा चाहिए, हम तो इनके प्रेशर में जीते हैं। गाड़ी है पर हमें तो एसी चाहिए, उसके प्रेशर में जीते हैं। और वही प्रेशर हम ट्रांसफर करते हैं और फिर हम कहते हैं मैं तो सारा दिन कुत्तों के जैसे काम करता हूं। तो क्यों कुत्तों के जैसे काम कर रहे हैं हम? मैं भी बहुत काम करती हूँ, रात को यहाँ पहुंची हूँ, उससे एक दिन पहले आज एक दिन घर में बिताया है, उससे पहले रात को 12:30 बजे पहुंची थी, एक दिन घर में बिताया, आधा दिन ऑफिस में, आधा घर में बिताया, कल ट्रेन में बैठ गई, रात को यहाँ पहुंची, आज यहाँ 2 सेशन लूंगी, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ूंगी, फिर घर जाऊंगी, रात को पहुंचूंगी घर जाऊंगी। मैं भी करती हूँ और आप तो इस उम्र में करती हूँ, मैं 63 साल की उम्र में करती हूँ, पर मजे आ रहे हैं मुझे इस काम में, मुझे सिर्फ मजे आते हैं इस काम में। थोड़े दिन ना, अब आज मेरे यहाँ पे मतलब कोई सपोर्ट नहीं था ऑफिस से, क्यों? क्योंकि जो यहाँ का बंदा है वो अपनी बनाने गया हुआ है, दूसरा जो यहाँ का नेक्स्ट हायर पर्सन है उसके पेरेंट्स बीमार है तो वो नहीं आ सकता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अकेली जाऊँगी, जितनी मैम ने बुलाया मेरे को जाना है, तो मेरे को तो जाना है, मैं अकेली चल जाऊँगी। मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम मुझे स्टेशन से लेकर स्टेशन तक की जिम्मेदारी आ गई, यहाँ ले आई, वापस छुड़वा देंगे, हो गया मेरा काम। तो अपनी भी सिक्योरिटी मैंने पूरी इंश्योर कर ली और मजे आ गए, इसलिए मैं आ रही हूँ। तो आप ये बच्चों का चाइल्डहुड को इंजॉय क्यों नहीं कर रहे? अभी चाइल्डहुड की प्रॉब्लम बच्चे निपटोगे, फिर टीनेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, उनसे निपटोगे तो वो बीवी भी आएगा घर में, उनसे नहीं बनेगी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अब तो बीवी निपटता है हमारे सुनता ही, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। बेटी की शादी करोगे वो दूसरे घर जाएगी, माँ उसका हस्बैंड ट्रीट करेगा, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, फिर अपनी सत्ता घुटनों में शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिएंगे क्या? हाँ जी जरूर। 2008 से मैं उसी स्कूल से कनेक्टेड हूँ, मैं एक ऐसा परिवार का व्यक्ति हूँ, 8 बच्चे मेरे घर से आते हैं स्कूल में, 3 गाँव हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक हर पेरेंट्स में आता रहा हूँ, ऐसा कोई फंक्शन ये लोग अटेंड नहीं, आज ऐसी क्या जरूरत आ गई है कि पेरेंट्स को बुलाने के लिए बताना पड़ रहा है कि बच्चों को अच्छा सीखता है? क्योंकि प्रॉब्लम पेरेंट्स को आ रही है, ये पेरेंट्स जा रहे हैं हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछती हूँ, आज हर स्कूल में एक काउंसलर की जॉब मैंडेटरी हो गई है कि जरूर होना चाहिए था आपको, या मुझे काउंसलर चाहिए था? नहीं, क्योंकि हम संयुक्त परिवार के पले बड़े बच्चे हैं, हमारी अगर माँ ने पीट किया तो हम चाची के पास चले जाते थे, हमारे पापा ने गुस्सा कर दिया तो चाचा प्यार कर लेता था, दादा प्यार कर लेता था। ये आजकल दोनों फैमिली में बच्चे जी रहे हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है और माँ बाप बच्चों की सिचुएशन को प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनसे अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से। आपके पेरेंट को कभी आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि कॉम्पिटेंट नंबर ला? लेकिन मैडम कभी आपने इस पर गौर किया, आज 2 साल से जो पढ़ाई का पता कंप्यूटर के 3 लाख बच्चे लगे रहते हैं, हाँ जी मोबाइल पे, हाँ जी। अच्छा दूसरा बात, अब उनको जो सिखाया स्कूल में बुला करके देते थे उसमें और मोबाइल में पढ़ने में फर्क पड़ा है कि? बिल्कुल पड़ा है। अच्छा दूसरी बात, क्या आपके स्कूल का अनुशासन ढीला हो गया है कि बच्चे जो है डिसिप्लिन हो गए? समझ गए आपके स्कूल का, मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चे अनडिसिप्लिन क्यों हो रहे हैं? बच्चे इनडिसिप्लिन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2 साल में वो कंट्रोल में जीना भूल गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 साल में कंट्रोल में जीना अगर बच्चे भूल गए तो इसमें दोष स्कूल का या पेरेंट्स से ज्यादा कोविड का है। अगर 2 साल बच्चा टीचर के सामने नहीं आया, बच्चे टीचर कह कह के थक जाती है, कैमरा ऑन कीजिए, पेरेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अब मेरा बच्चा कैमरा ऑन करके बैठा है या नहीं, कैमरा ऑफ है, बच्चा पहली पीरियड में नींद में बिठा दिया, बैठ गया, लॉग इन कर दिया, अगर 8 बजे से क्लास है तो 8 बजे बच्चे को किसी तरह उठा के लॉग इन करके बिठा दिया, पहला पीरियड खाना खाने में नाश्ते में चला गया, टीचर ने काम दिया
ये दो साल ने बहुत सबल ला दी है। मेरा अनुभव ये कहता है, मुझे ये बताइए आप फादर है बच्चे के? नहीं दादा, बचपन से मैंने अपने खुद संस्कार क्या है। तो आजकल बच्चे क्या समझते हैं? ये अपना जैकपॉट, जैकपॉट। मम्मी के तरफ पे मना किए, दादी से मिल जाएंगे, दादी। तो मैं हाथ जोड़ के दादा दादी से भी कहूंगी, प्लीज अगर आपको बच्चा आज के समय में पालना नहीं आता है तो उसे मत पालिए। अगर आप उसकी एजुकेशन भी देख रहे हैं, आप कैसे बच्चे को पाल रहे हैं? उसने कहा मुझे इससे खेलने जाना है। दादा ने कहा जाओ बेटा खेलने जाओ, मेरे पास स्कूटर में खेलने चलो। एक चक्कर लगा के आते हैं, मम्मी पहली घर में रो रही है, होमवर्क की आ रही है। दादा का काम तो बोला पहले होमवर्क करोगे फिर खेलने जाओगे। और ये 93-98% घरों की प्रॉब्लम है। आप पेरेंट्स के कंट्रोल को दादा दादी खत्म होने दे रहे हैं। उसको ये मालूम है कि जो मेरी इच्छा ना जायज है उसको पूरा कराने के लिए मैं कहां जाऊं, दादा दादी के पास जाऊं, वो क्यों। अच्छा दूसरी चीज, एक और बहुत चीज है जो आप लोगों के पास या हम लोगों के पास बहुत तरबियत है, वो है टाइम। हमारे पास सारा टाइम है बच्चे के साथ खेलने के लिए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके पास तीन प्रॉब्लम, उनके बच्चे को स्पेशल अटेंशन चाहिए थी, इमीडिएट अटेंशन चाहिए थी। वो वाले पेरेंट्स को बुलाया गया तो वो मम्मी पापा कहां है? हाउ मच इंपॉर्टेंट आर चिल्ड्रन आर इन आर लाइफ, इट्स टू इनैक्ट। आपके बच्चे के माता पिता हैं अभी? नहीं है ना? क्यों नहीं है? यही बात तो